हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन फैशन स्टूडियो। और आज हम बताएंगे आपको कि 3 साल के बेबी फ्रॉग हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, पहला निशान हमें लगाना है 5 इंच पे और दूसरा हमने लगाया है 10 पे, जो कि हमारी कोटी की फुल लेंथ है। उसके बाद इन निशानों को सीधा खींच लीजिए। और ये हमने लगाया है शोल्डर का निशान 5 पे। उसके बाद हमने गला रखा है 2.5 का और नीचे से 3 का। उसके बाद हमें चेस्ट और वेस्ट का निशान लगाना है, जो कि हमारी 24 है। इसके बाद सारे निशानों को सीधे खींच लीजिए और गले की शेप दे दीजिए इस तरीके से। और ये जो है, हमने थोड़ा सा कंधे गिराई है, उसका निशान है। और ये आर्म होल की शेप है हमारी। इसके बाद हमें जो है इसकी कटिंग करना है। देखिए, सबसे पहले हम नेक काटेंगे, उसके बाद शोल्डर, और उसके बाद ये आर्म होल। ये हमारी पेटी की कटिंग हो गई है। अब इसकी बैक काटने के लिए जो है हम इसका बैक साइड काटेंगे, इसको फ्रंट को रख के। देखिए, नेट का फैब्रिक है तो ये काटने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप जो है पहले से पिन अप कर लें। इस तरीके से जो है हम इसकी बैक काटेंगे। बैक कट चुकी है इसकी। ये हमारा इनर का कपड़ा है शिमर का। उसके बाद हम ये काटेंगे, जो कि हम नीचे लगाएंगे इसके। फ्रेश से हल्का सा फ्रेश कर लें इसको। अब इसको भी हमें पिन अप करना है। और इसके बाद निशान लगा के इसकी कटिंग करना है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग भी कर दी हमने। अब ये जो है, ये हमारे अस्तर का कपड़ा है और इसी तरह से हम जो है अस्तर की कटिंग करेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमें ये तीनों रखना है। ये जो हमारा शिमर वाला कपड़ा है, शिमर वाला फैब्रिक, ये हमारे बीच में आना है, जो नेट के अंदर से दिखेगा। देखिए, इस तरीके से हमने जो है तीनों रख लिए अपने। और इस तरीके से हमें इसकी स्टिचिंग करना है। उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे, तो जो हमारा शिमर वाला फैब्रिक है वो बीच में चले जाएगा और अस्तर है जो वो हमारा नीचे आ जाएगा।
देखिए हमने फोल्ड कर लिया, अब हमारा शिमर वाला फैब्रिक नीचे आ चुका है और अस्तर हमारा नीचे आ चुका है। उसके बाद हमें जो है एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के लिए देना है और ये हमारी पेटी बन के रेडी हो चुकी है बिल्कुल। इसके बाद हमने जो है अपने बैक साइड को भी इसी तरीका से कंप्लीट कराया और दोनों के मुड्ढे आपस में जोड़ लिए। इसके बाद जो है हमें फिटिंग की सिलाई देना है। दोनों साइड से देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब नीचे इसमें जो हल्का सा आपको कपड़ा दिख रहा है ये आप काट सकते हैं। इसके बाद ये जो मैंने पट्टी ली है इसके हम बंदेज बनाएंगे पीछे बांधने के लिए। देखिए इस तरीके से यहाँ से हमें जो है आड़ी सिलाई लगा के और इस तरीके से हमें जो है इसको स्टिच करना है और बीच में हमें जो है थोड़ा छोड़ देना है सिलाई। देखिए ये हमारा स्टिच हो चुका है, अब इसको हम जो है बीच से फोल्ड करेंगे। हमने बीच में थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी थी। ये हमारे फोल्ड हो गए, देखिए इस तरीके से आए और ये जो है हम स्टिच कर देंगे इसके अंदर इस तरीके से। इसके बाद देखिए ये हमारा जो है फैब्रिक नेट का है और इस नेट के फैब्रिक को हम गैदरिंग डाल के रेडी करेंगे। हम नेट वाले फैब्रिक को स्ट्रेट में बना रहे हैं, इसको हमने राउंड करके नहीं काटा। जिस तरीके से हम अम्ब्रेला काटते हैं उस तरीके से नहीं काटा है, हमें खाली इसका एक जो शिमर का अस्तर है वो अम्ब्रेला काटना है और उसके ऊपर राउंड राउंड करके जो हमें स्ट्रेट वाला जो है नेट का फैब्रिक लगाना है। देखिए आप किस तरीके से लगाते हैं। हमारा नेट वाला फैब्रिक रेडी हो गया और सेम उसी तरीके से हमें जो डिज़ाइनर नेट है ये भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। पहले हम इसमें नीचे लेस लगाएंगे और उसके बाद जो हम ऊपर इसमें गैदरिंग का यूज़ करेंगे, गैदरिंग डाल के इसको रेडी करेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसमें गैदरिंग डालेंगे। ये हमारे दोनों फ्लेयर आगे और पीछे के रेडी हो चुके हैं। अब ये हमारा शिमर का जो है हमने फ्लेयर बनाया पूरा राउंड करके, इसी कटिंग सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में इसकी कटिंग दिखाई थी। सबसे पहले हमने अस्तर रखा है नॉर्मली, उसके बाद शिमर का अस्तर रखा है और उसके बाद इन दोनों को आपस में अटैच करना है। देखिए ये हमारे जो है अटैच हो चुके हैं दोनों आपस में। अब इसके बाद जो है हम अपना नेट वाला फैब्रिक जो है वो राउंड राउंड करके इसमें लगाएंगे।
देखिए इस तरीके से हमें यह है इसके अंदर अटैच करना है। ये हमारा नेट स्ट्रेट था, इसमें हमने गैदरिंग डाली, उसके बाद में जो दोनों साइडें थी इसकी हमने नाप लेने के बाद में जो हमारा फ्लेयर ये शिमर वाला था उसके वेस्ट का जो नाप था उसके हिसाब से इन दोनों को आपस में स्टिच कर लिया है। और उसके बाद जो है हम इसको इसके अंदर अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से इसको अटैच करने के बाद में हम इसके ऊपर भी एक और पर लगाएंगे, वो जो है हमारा डिज़ाइनर नेट का है। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो आप काट दें। देखिए ये वाला जो है ये हमारा डिज़ाइनर नेट है, इसको भी सेम इसी कंडीशन से हमें लगाना है। पहले इसके अंदर जो है हमने गैदरिंग डाली इस तरीके से और उसके बाद जो है इसके ऊपर अटैच कर देना है। अब ये सारे जितने भी हमारे फ्लेयर रेडी हुए हैं, हमारे चार फ्लेयर रेडी हो चुके हैं, अब इन चारों को आपस में अटैच करना है हमें और बढ़िया तरीके से इनको स्टिच करना है। देखिए हमारा ये जो है रेडी हो चुका है बिल्कुल नीचे का बनके। अब हमने जो पेटी बनाई थी उसको हमें इसके अंदर अटैच करना है। अटैच करने से पहले जो है हम इसको पिनअप करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो हैं फ्लेयर लगे हुए हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसको पिनअप करके अटैच कर लेंगे एक दूसरे में और फिर जो है इसको स्टिच करेंगे। अब इन सबको एक साथ हम स्टिच करेंगे। देखिए फ्रॉक बन के हमारी रेडी हो चुकी है। उसके बाद में जो है हम जो हमारा नेट का नीचे का जो इनर था, जो फ्लेयर हमने बनाया था नेट का, उसके अंदर जो है हमें लेस का यूज़ करना है। लेस लगाएंगे हम चारों साइड में।
देखिए हमारे फ्रॉक रेडी हो चुकी है बनके। अब जो है हम इसकी पेटी की थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। ये जो नेक हमने बनाया है इस पर हम स्टोन लगाएंगे थोड़े, और जो इसमें ऊपर फ्लावर दिख रहे हैं उन पर थोड़ी सी डेकोरेशन देंगे, और उसके बाद हमारी फ्रॉक बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। डेकोरेशन करने के बाद इसको जो है हम सबसे पहले थोड़ी देर धूप में सूखने रखेंगे। 1-2 घंटे के लिए इसको लगा के इस तरीके से छोड़ देना है, और उसके बाद ही जो है इसको देखना, वरना इसका ग्लू जो है वो सारा का सारा आपका डिज़ाइन जितना भी बना है वो सारा ख़राब हो जाएगा। देखिए हमारी डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है इसके अंदर सारी। देखिए तो फाइनली हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझको कमेंट करके प्लीज़ पूछिए, उसको मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।